दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज रद्द हो जाने के बाद अब इस देश के खिलाफ भारतीय टीम का अगला दौरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को बीच में ही रोकना पड़ा। अब इस सीरीज को बीसीसीआई बाद में दोबारा कराएगी। साउथ अफ्रीका की टीम फिर से भारत आएगी, लेकिन खबरों के अनुसार इस सीरीज को फिलहाल 7-8 महीने के लिए टाल दिया गया है और अब यह मैच T20 वर्ल्ड कप के बाद ही खेला जाएगा। तो इस सीरीज के रद्द होने के बाद तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टीम इंडिया अब किस देश के खिलाफ मैच खेलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कोरोना वायरस का खात्मा जल्द पूरी दुनिया से हो जाए और क्रिकेट फिर से चालू हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के कारण दहशत के माहौल में जी रही है। दुनिया में हर चीज थम सी गई है, खेल के मैदान भी सूने दिखने लगे हैं, खिलाड़ी अपने घरों को लौटने लगे हैं। इस महामारी के कारण 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। मगर इसके बाद भी आईपीएल का 13वां सीजन शुरू होगा या नहीं, इस पर भी आशंका बनी हुई है। आईपीएल के 13वें सीजन के आयोजन को लेकर बीसीसीआई और सभी टीम मालिकों के बीच शनिवार को मुंबई में बैठक हुई, जहां 6 से 7 मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में टीम मालिकों के साथ आईपीएल शुरू करने की कुछ तारीखें भी साझा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ गांगुली की अगुवाई वाली बीसीसीआई ने 5 संभावित तारीखों पर चर्चा की। इस 5 संभावित तारीख के अनुसार 5 मई तक आईपीएल का आयोजन किए जाने की उम्मीद बची हुई है। अगर भविष्य में हालात सुधरते हैं तो 15 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई और 5 मई, इन 5 संभावित तारीखों में से किसी एक दिन आईपीएल का आगाज किया जा सकता है। गवर्निंग बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है जो 25 अप्रैल तक शुरू होना चाहिए। अगर तारीख इससे आगे बढ़ती है तो सभी मैचों को करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी टीमें एक दूसरे से 2 बार मैच खेलती है। लेकिन आईपीएल के अधिकारियों ने इसका भी हल निकाल लिया है और आईपीएल को हर हाल में कराने के लिए लीग को छोटा करने का विकल्प तलाश दिया है। और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कह दिया है, लीग छोटा करने के लिए 2 ग्रुप बनाकर मैच करवाया जाएगा और हर टीम का दूसरी टीम से 2 बार भिड़ने की बजाय सिर्फ एक ही मैच करवाया जाएगा और आईपीएल को समय में खत्म किया जाएगा, क्योंकि 31 मई के बाद से विदेशी खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम के साथ व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी ये तय नहीं है कि आईपीएल मैच होंगे भी या नहीं, तो ऐसे में अब क्रिकेट फैंस की नज़र भारतीय टीम के अगले दौरे पर रहेगी। तो दोस्तों आईपीएल के लंबे दौरे के बाद भारतीय टीम का अगला दौरा T20 सीरीज रहेगी। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का अब 3 T20 सीरीज और एशिया कप का दौरा भी बाकी है। तो भारतीय टीम की अगली T20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जून में श्रीलंका में होगी और अब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में ही अपना अगला मुकाबला खेलने उतर सकती है। उससे पहले भारतीय टीम का अब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला संभव नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों टीम इंडिया अब श्रीलंका में जाकर T20 सीरीज खेलेगी और उसके बाद सितंबर में एशिया कप खेलेगी। इंग्लैंड सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर अक्टूबर में ही 3 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी।